हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल रॉकेट बेबीज़। आई एम सुनीता घोष। सो पेरेंट्स, आज का वीडियो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। सो रिसेंटली पर्सनली आई हैड एन ईयर इन्फेक्शन एंड मुझे लिटरली अराउंड 2 वीक्स तक सफ़र करना पड़ा था इस चीज़ में, बिकॉज ऑब्वियसली ईयर इन्फेक्शन जो है, अगर हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, देन बेसिकली पूरा प्रोसीजर चलता है। सो इट टुक मी अराउंड 2 वीक्स। तो आप सोच ही सकते हो कि अगर एक बड़े इंसान के लिए ईयर इन्फेक्शन जो है वो इतना बड़ा प्रॉब्लमैटिक थिंक हो सकता है, तो बच्चों के लिए ऑब्वियसली बहुत मुश्किल का चीज़ होता है, क्योंकि ईयर पेन या फिर टीथ पेन एक ऐसा पेन होता है जो कि अनबियरेबल पेन होता है, और इसलिए हम कभी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जो है वो इससे सफ़र करे। तो ये वीडियो जो है वो इस बारे में है कि क्या हम प्रॉपर हाइजीन बच्चों के ईयर्स के लिए मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, एंड सेकेंडली इस ईयर इन्फेक्शन के दौरान मैंने ये चीज़ें सीखी कि क्या क्या चीज़ें जो हम एज सच सोचते हैं कि हम एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाइजीन कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी तरफ से गलती होती है जो बेसिकली कैन लीड टू ईयर इन्फेक्शन। तो इसीलिए ये बताना बहुत ज़रूरी लगा मुझे कि क्या सही तरीका होना चाहिए एक ईयर के हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। तो ये वीडियो जो है वो बड़े लोगों पे भी लागू होता है, बट बेसिकली दिस वीडियो इज़ मेड फॉर किड्स, कि आप एज पेरेंट जो है वो बच्चे का ईयर का हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चे, क्योंकि खास करके अगर टॉडलर्स की बात की जाए तो काफ़ी खेलते हैं, कूदते हैं पार्क में, धूल में, तो दे टेंड टू गेट अ लॉट ऑफ गंक इन देयर एयर, उनका ईयर, उनका जो कान है वो काफ़ी गंदा हो सकता है, और कुछ लोगों को वैक्स जो है वो ज़्यादा डेवलप होती है और कुछ लोगों को कम होती है। तो उस हिसाब से वो आपको ऑब्वियसली अपने बच्चे का पता होगा कि आपके बच्चे के कान में ज़्यादा वैक्स होती है कि कम होती है। ईयर की क्लीनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है 2 चीज़ों की वजह से। एक तो हाइजीन, कि हाँ हम हाइजीन मेंटेन करना चाहते हैं, एंड सेकेंड चीज़ कि ईयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग, हमें सुनाई देता है अपने ईयर से, तो ऑब्वियसली ईयर जो है वो क्लीन होना चाहिए। अब जो वैक्स होता है ईयर में, वो एक्चुअली कोई ऐसा गंदगी नहीं है जिसे आपको पूरा साफ कर देना है और आपके ईयर में बिल्कुल भी वैक्स नहीं होना चाहिए, ये सोच गलत है। एक्चुअली जो वैक्स है वो ईयर्स को, जो ईयर ड्रम है, जो अंदर ईयर ड्रम है, विच इज़ इंटरनल ईयर जिसे हम कहते हैं, उस पार्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है बैक्टीरिया से, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन होने से, वाटर घुसने से, डर्ट घुसने से, इंसेक्ट घुसने से, इन सब चीज़ों से वैक्स जो है वो हमारे ईयर को सेफ करता है। तो इसीलिए ऐसा कहना गलत होगा कि हमें वैक्स जो है वो पूरा साफ कर देना चाहिए। तो अब क्या सही तरीका होता है एक ईयर के हाइजीन को मेंटेन करने का? सबसे पहले हम बात करेंगे आउटर एरिया की। आउटर एरिया में वो ईयर के पार्ट्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कान के पीछे वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, इस एरिया को आप कभी भी क्लीन कर सकते हो। जनरली जब बच्चा बाथ लेके आता है तब बच्चे का स्किन और ये सब बहुत सॉफ्ट हो चुका होता है, उस टाइम पे आप एक क्लीन क्लॉथ ले सकते हो या फिर कॉटन स्वैब यूज़ करके जो भी ये एरियाज़ हैं इनको क्लीन कर सकते हो। खास करके कान के पीछे भी क्लीन करना ज़रूर ध्यान रखिए। तो ये था आउटर पार्ट जो आप कभी भी क्लीन कर सकते हो यूजिंग अ कॉटन स्वैब या फिर एक क्लीन कपड़ा। अब आता है ईयर के अंदर की बात। तो ईयर के अंदर आपको कभी भी कॉटन स्वैब नहीं डालना है या फिर फिंगर्स नहीं डालने हैं। कॉटन स्वैब डालने से या फिर फिंगर डालने से आप 2 चीज़ें कर सकते हो। या तो आप ईयर ड्रम्स को डैमेज कर सकते हो, बच्चों का डैमेज होने का चांसेस और ज़्यादा होता है, तो आप ईयर ड्रम्स को डैमेज कर सकते हो, या फिर जो वैक्स है बच्चे के कान में आप उसको और अंदर पुश कर दोगे, इतने अंदर पुश कर दोगे जो नॉर्मल साफ नहीं किया जाएगा आपसे, और बाद में आपको इन द लॉन्ग रन फाइनली डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अंदर का कान साफ करने के लिए कभी भी ना ही आपको फिंगर्स का यूज़ करना चाहिए ना ही कॉटन स्वैब्स का यूज़ करना चाहिए। तो अगर ये 2 चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते तो आखिर हम कैसे बच्चों का कान साफ रखें? तो इसके लिए ओवर द काउंटर ईयर ड्रॉप्स आते हैं। मैं अपने लिए और इनाया के लिए सेम ईयर ड्रॉप्स का यूज़ करती हूँ, बेसिकली ऑयल बेस्ड ईयर ड्रॉप्स होती हैं। मैं यहाँ पर दवाई का नाम इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि इट इज़ ऑलवेज बेटर कि बच्चों के केस में एक बार पीडियाट्रिशियन से आप दवाई का नाम ले लीजिए, ताकि यू नो अगर आपके बच्चे को कोई एलर्जी की हिस्ट्री है या कुछ भी ऐसा है तो आपके पीडियाट्रिशियन को ऑब्वियसली पता होगा और उस हिसाब से वो आपको ईयर ड्रॉप्स जो है वो सजेस्ट करेंगे। ईयर ड्रॉप्स
निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। जैसे मैं अराउंड 6 to 7 ड्रॉप्स अपने एक कान में डालती हूँ, लेकिन बच्चे के केस में मैं सिर्फ 4 ड्रॉप्स उसको देती हूँ। तो आपको अपने बच्चे को अपनी गोद में लिटाना है, ताकि जैसे समझ लीजिए फर्स्ट इस ईयर में डालना है, तो इस तरह से बच्चे को लिटाना है। फिर आप ईयर ड्रॉप्स डाल दो और बच्चे का कान जो है वो थोड़ा सा आप इस तरह से टग कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आप ईयर ड्रॉप्स को हेल्प कर रहे हो अंदर तक जाने का। ईयर ड्रॉप्स अंदर जाते हैं और जितनी भी गंदगी है उसको बेसिकली पिघला देते हैं। और फिर 5 मिनट्स तक बच्चे को इसी पोजीशन में रखिए, 5 मिनट्स के बाद आप टिल्ट कर दीजिए, तो ऑयल जो है वो बाहर आ जाएगा। उसके साथ साथ अगर कोई गंदा होगा तो वो भी कान से बाहर आ जाएगा, जो आप इजीली फिर क्लीन कर सकते हो। सेम प्रोसेस आपको अपने दूसरे कान के साथ भी करना है, या फिर बच्चे के दूसरे कान के साथ करना है। तो ये सही तरीका होता है अंदर के ईयर को साफ रखने का। ना ही फिंगर, ना ही कॉटन स्वैप, कॉटन स्वैप कभी मत डालो, सिर्फ ईयर ड्रॉप्स यूज़ करो बच्चे के इंटरनल ईयर को क्लीन करने के लिए। दूसरी चीज़ और एक बताना चाहूँगी कि स्विमिंग जो है वो हम बहुत छोटे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो स्विमिंग के टाइम पे जो स्विमर्स ईयर करके एक प्रॉब्लम होती है वो हो जाती है, जिसमें बेसिकली क्या है कि आप क्योंकि रेगुलर स्विमिंग कर रहे होते हो, एवरी डे यू आर स्विमिंग, आपके कान में रेगुलरली पानी जाता है, और कई बार वो पानी जो है वो ईयर इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ईयर को ड्राई रखो। तो उसके लिए हम जनरली ऐसा सजेस्ट करते हैं कि अगर बच्चे को लग रहा है कि बच्चे के कान में पानी गया है, तो जिस कान में भी पानी गया है उसको नीचे की तरफ टिल्ट करना है, एंड यू कैन इवन जंप। तो उससे बेसिकली प्रेशर मेंटेन होगा और वो जो भी पानी है वो अपने आप बाहर आ जाएगा। तो ईयर को ड्राई रखना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपको ईयर इन्फेक्शन जो है उसका ध्यान हमेशा रखना है। जैसे कि आपको कुछ कुछ साइंस दिखाई देंगे, जो कि सबसे पहली चीज़ साइन होता है कि रेडनेस हो सकती है ईयर्स में। दूसरा साइन, अगर ईयर इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो हल्का हल्का पेन ज़रूर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका बच्चा टॉडलर है तो ऑब्वियसली वो आपको बता सकेगा, मतलब बच्चा अगर आपका बोल सकता है तो वो बता सकेगा आपको कि उसको ईयर में कुछ पेन, कुछ कुछ भी इरिटेशन सा फील हो रहा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द साइंस कि आपका बच्चा जो है उसको हो सकता है कि ईयर इन्फेक्शन हुआ हो। तीसरा साइन कि अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो जनरली वो बता नहीं सकेगा, लेकिन वो अपने कान के आसपास अपना हैंड ज़रूर ले जाएगा, उसको खींचने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा आपको शो करेगा कि वो इरिटेटेड है उस एरिया में। तो इससे आपको पता चल सकेगा कि बच्चा जो है उसको ईयर इन्फेक्शन शायद हो सकता है। इसके अलावा फीवर भी आ जाता है ईयर इन्फेक्शन के टाइम पे। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि बेसिकली हमको ये सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को शायद ईयर इन्फेक्शन हुआ है। और ईयर इन्फेक्शन के केस में हमें डॉक्टर को ही दिखाना होता है, एक ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ता है, क्योंकि वही प्रॉपर एंटीबायोटिक ईयर ड्रॉप सब्सक्राइब करते हैं, प्लस एंटीबायोटिक सब्सक्राइब करते हैं, ताकि इन्फेक्शन को ख़त्म कर दिया जा सके। तो ये वीडियो मेरे लिए बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि दिस इज़ समथिंग फ्रॉम विच आई सफर्ड, एंड आई विल नेवर वॉन्ट कि हमारा बच्चा जो है वो इस प्रॉब्लम से सफ़र करे। एंड सेम इज़ द केस विद आप लोगों के लिए भी, कि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि किसी और का बच्चा भी इस चीज़ से सफ़र करे। तो इसलिए आई थॉट कि ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने हमेशा बचपन से यही सीखा था कि अगर हमें अपने ईयर्स को क्लीन करना है तो ऑलवेज़ यूज़ अ कॉटन स्वैब, जिससे कि अपने ईयर्स को क्लीन रख सकते हो। बट एक्चुअली में कॉटन स्वैब्स अगर आप अंदर का ईयर क्लीन करने की कोशिश कर रहे हो उससे, तो आप या तो ईयर ड्रम को हार्म कर दोगे, या फिर जो वैक्स है उसको और अंदर घुसा दोगे, विच विल फाइनली लीड टू ईयर इन्फेक्शन, क्योंकि वो इतना अंदर चला जाएगा कि धीरे धीरे करके आपके ईयर के जो ईयर का जो केनाल है वो पूरा क्लॉग हो जाता है, और उसके बाद आपको बिल्कुल ही सुनाई देना बंद हो जाता है उस पर्टिकुलर ईयर से, एंड उसके बाद कभी कभी वो इन्फेक्शन का रूप भी ले लेता है। तो इसीलिए आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रॉपर तरीके से अपने बच्चे की ईयर हाइजीन को मेंटेन करोगे, और कोई भी बच्चा जो है वो इस टाइप की ईयर इन्फेक्शन से सफ़र ना करे। इसलिए था ये हमारा वीडियो। अगर आपके पास और कोई पॉइंटर्स हैं, आपको और कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि दूसरे व्यूअर्स को भी हेल्प मिल सके। तो इन्जॉय करिए इस पेरेंटहुड को, और जो भी डिसीजंस ले अपने बच्चे से रिलेटेड वो हमेशा इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा। और हमारे वीडियोस अगर अच्छे लगे तो उसे लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इंजॉय करते रहिए अपने इस लवली लवली टाइम ऑफ पेरेंटहुड को। डॉकेट बेबी रॉक्स, बाय बाय।